हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ एक कमेंट का जरिए से। तो एक बंदे ने कमेंट किया है, इनका नाम बालाजी है। तो इसने कमेंट किया है, फोटोज और वीडियोस हाइड कैसे करते लेनोवो की नोट फोन में, प्लीज़ हेल्प मी। तो इसके लिए भाई मैं आपको बता दूं, इतना आसान है, आप लोग इतना आसानी से हाइड कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, एक मिनट में आप कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं मैं आप लोगों को ये वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक ताकि आप लोगों को पता चले, अगर पता नहीं है तो कैसे आप लोग हाइड कर सकते हैं कोई भी वीडियो होने दो, कोई भी फोटोज कैसे हाइड कर सकते हैं, कौन सा भी एंड्रॉयड फ़ोन, कौन सा भी फ़ोन में आप लोग हाइड कर सकते हैं, इतना आसान है। तो मैं लेनोवो के 8 नोट पे बता रहा हूँ ताकि जो बंदे ने कमेंट किया है उनको भी पता चले कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं वीडियो का एक फाइल बता देता हूँ, मैं जो फाइल हाइड करने वाला हूँ, छुपाने वाला हूँ, तो वो फाइल मैं छुपाऊँगा। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, वो फाइल यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ पहले, ताकि बाद में आप लोग नहीं बोलना वो मैं झूठ बोला हूँ क्या फेक बोला हूँ बोल के। इसके लिए ये देख लीजिएगा, यहाँ पे एक वीडियो फाइल है, इसमें 46 गाना है। तो ये मैं अभी हाइड करने वाला हूँ, ये यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को मैं बाद में फिर यहाँ पे आके दिखाऊंगा, ये फाइल नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एमएक्स प्लेयर में भी बता देता हूँ, ये फाइल आप देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे वीडियोस बोल के लिखा हुआ है। तो इसके लिए छुपाने के लिए आपको जाना है फाइल मैनेजर में, आपका मेमोरी में जाना है, फाइल मैनेजर में जाके यहाँ पे जाना है। तो जाके आप जो हाइड करना चाहते हो कौन सा भी फाइल, तो इसमें आप जो हाइड करना चाहते हो, जो वीडियो जो फाइल, तो इसको आप एक फाइल में लगा दीजिए, एक फाइल नहीं तो एक वीडियो एक ही जगह में कर लीजिए, एक ही फाइल में करके आप वो फाइल ढूंढ लीजिए फाइल में जाके, फाइल मैनेजर में जाके। तो मैं एक मिनट मेरा वीडियो फाइल की जरिए देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वीडियोस फाइल है 46 वीडियोस। तो यहाँ पे क्लिक करना, दबा के रखना, रखने का बाद में ये ऊपर 3 डॉट देख रहे हो आप, मैं हाथ लगाऊँ, ये 3 डॉट पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करके ये रीनेम पे क्लिक करना है, रीनेम पे क्लिक करने का बाद में ये जो वीडियो का नाम है आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप करना क्या है, पहले ये वीडियोस का पहले आप ये डॉट लगा देना है, 3-4 डॉट लगा देना है, लगाने के बाद में ये ओके कर देना है। तो अब भी ये फाइल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये छुप गया आपका फ़ोन में, किधर भी नहीं मिलेगा। अब भी आपको ये निकलना पड़ेगा, बाद में मिलेगा। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको ये है कि नहीं, आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ गैलरी में जाके, बाद में आप लोग विश्वास नहीं करोगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं इधर आया हूँ, इधर ही था ये फाइल, अब भी नहीं है ये फाइल, वीडियोस फाइल बोल के यहाँ पे कोई भी वीडियोस फाइल नहीं है। तो इसके लिए अब एमएक्स प्लेयर में भी बता देता हूँ मैं, ये देख लीजिए एमएक्स प्लेयर में भी ऐसा कोई फाइल नहीं है। तो ये ऑलरेडी छुप गया है, ये हाइड हो चुका है। तो इसको निकालना कैसे है आप, तो फिर फाइल मैनेजर पे चले जाइए आप, फाइल मैनेजर पे जाना है, जाके फिर यहाँ पे ऊपर 3 डॉट देख रहे हो, फिर ये 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये नीचे देख रहे हो शो हेडिंग होल्डर, तो शो हेडिंग होल्डर पे आप क्लिक करना है यहाँ पे सबसे नीचे। तो इसको क्लिक करने के बाद में आप जो हाइड किया था वो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए ये वीडियोस बोल के यहाँ पे आ गया। तो इसको आप करना क्या है, फिर से इसे दबा के रखना है, इसको आप इसे दबा के रखना है। रखने के बाद में फिर रीनेम पे जाना है आप, रीनेम पे जाके जो 3 डॉट आप लगाया था वो 3 डॉट कैंसिल कर दीजिए। उसको कैंसिल करने के बाद में ओके कर लेना है। ओके करने के बाद में ये फाइल आपको फिर बाहर आ गया, आप लोग का मेमोरी में भी मिल जाएगा, गैलरी में भी मिल जाएगा और एमएक्स प्लेयर में भी आप मिल जाएगा। तो इसको आप फिर करना क्या है आपको, यहाँ पे फिर 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करके डोंट शो हाइड एंड होल्डर, तो यहाँ पे फिर
आप दबा देना है, एक बार क्लिक कर देना है तो आपका वो पहले ही जैसे हो गया। तो आप भी ये फाइल आपको गैलरी में भी मिलेगा, मैं गैलरी में जाके दिखा देता हूँ। यह देख लीजिए गैलरी में यहाँ पे आ गया, और एम एक्स प्लेयर में भी आपको बता देता हूँ। ये एम एक्स प्लेयर में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए नीचे आ गया। तो ऐसे ही इतना आसान है, इतना आसानी से आप लोग छुपा सकते हो कोई भी वीडियो फोटोज कुछ भी, आप लोग मेमोरी का छुपा सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपना दोस्तों के साथ, और कमेंट करके मुझे बताना आप लोगों को कैसे लगा। और कुछ जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को कमेंट के ज़रिए से वीडियो ज़रूर लाऊंगा, आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो अगर नया कोई बंदे आया है तो मेरे चैनल पे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।